हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब तो अच्छे होंगे। हम अच्छे हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे होंगे। तो बस अभी सुबह का टाइम है और सुबह के बजे 8:30, और आयरा आजकल स्कूल जा रही है तो जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा था, मेरा आज इतना मन था क्योंकि कल आयरा का फर्स्ट डे था। हाँ, तो मैं ये बताई थी कल आयरा का फर्स्ट डे था, तो कल मुझे पूरा दिन सोना नसीब नहीं हुआ और शाम को ना मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुझे वॉमिट होगा बहुत ज़्यादा। मतलब वो लिबा ने वो कर दिया था, क्योंकि लिबा भी सुबह ही उठ गई थी 6 बजे, और फिर उसके बाद ये टकला कराने चली गई, फिर वहाँ से आई तो ये सो गई, ये बिना नहाए ही सो गई। पता नहीं इसे क्या हुआ, इसे इतना नशा सा है, बिना नहाए सो गई। फिर ये बच्चा थोड़ी देर भी सो ली, ये इतनी वो है, इसकी बैटरी माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि 5 मिनट के भी चार्ज कर दो तो ये पूरा दिन निकाल लेती है। फिर वही हुआ मेरे सोने के टाइम पर, ये सो ही नहीं, इसने पूरा दिन मुझे परेशान किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आराम नहीं मिला। तो आज मैं ये सोची थी, मेरी आँख नहीं खुल रही थी आयरा के लिए, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि मैं ना सो जाऊँगी दोबारा। तो मैंने कोशिश भी की, इन मैडम को ला के यहाँ पर रखा भी, पटका भी, लेकिन फिर इसे भूख लग गई है ना। अस्सलाम वालेकुम कर लो पहले, अस्सलाम वालेकुम करो। अच्छा, अपना टकला दिखा दो। अच्छा, तो मैडम को लग गई भूख और मैडम ने मुझसे सुबह ही बनवा लिया नाश्ता। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैडम की फरमाइश थी नाश्ते की, तो आप लोगों को पता है मेरे बच्चे नाश्ते में बस एक ही चीज़ खाते हैं दुनिया की, और कोई चीज़ इनके लिए बनी ही नहीं है, खाते ही नहीं है, कुछ भी खिला दो नहीं खाते। ओ, गुस्सा हो गई, क्या हो गया लिबू? लिबू क्या हुआ बीबी, पता खा लो। नहीं, मैं तो मेरी लिबा तो अच्छी है, मिली बात तो पाता खाती है ना, गुस्सा हो गई भाई, आवाज बनाना पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ले रही थी ये दूध, उनसे ज़्यादा पिया ही नहीं जाता, तो ये मैं एक कप से भी कम दूध ले रही हूँ। और मुझे क्या करना था, मुझे दवाइयाँ खानी थी, और मेरी दवाइयों का हाल देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मेरा बॉक्स दो लिबा, बॉक्स दो। मैंने ना आयरा के इस बॉक्स में रख रखी है, क्योंकि फिर वो खो जाती है ना। लो, तो ये ना हम ले आते हैं इकट्ठी 15 दिन की। लो, मुझे दिखाने तो दो, मुझे दिखाने तो दो मेरी जान, मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। ये है उसकी कैल्शियम की, ये इतने बड़े बड़े हथगोले हैं कि इनको खाना ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मैडम दिखा रही है, ठीक है। और ये बस अब ख़त्म होने वाली है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, लेकिन मैं ना दवाई चोर बहुत हूँ, मैंने पूरा टाइम नहीं कही है, अब एंड में आके मैं मतलब खा रही हूँ दवाइयाँ। एंड मतलब सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरा क्या टाइम चल रहा है, तो मैं अभी आपको वो भी बता दूँगी, आज आज की वीडियो में ये भी बता दूँगी। तो ये आयरन की है, रुक जाओ, कहाँ गया, फोकस कर भाई। लिबा, मैं पिट्टी लगा दूँगी, सारी ले लू ना, तो कहाँ गया। अच्छा, तो ये दवाई ना हमारे सामने एक डिस्पेंसरी है, मतलब गवर्नमेंट ही है, तो वहीं से दिखा लाते हैं, और मतलब मैं वहीं चली जाती हूँ और वहीं से दवाइयाँ मिल जाती हैं, तो बस वही खा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेरी पहले ही पत्ते हैं जो ये अब ख़त्म होंगे पूरी प्रेगनेंसी में, मतलब अभी पूरी तो क्या कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरा टाइम कितना चल रहा है। तो ये लिबा ना रोज़ इसमें से निकाल के सारे मेरे पत्ते फेंक देती है, है ना लिबू? हाँ, दिखा दूँ, दिखा रही हूँ। आप गंदी हो, आप कुछ नहीं दिखाने देती हो, मैं यही दिखा रही थी, किसी में से कुछ खा रखा है, किसी में से कुछ खा रखा है। तो खैर बहरहाल, अब इसे सब रख दो, चलो ये इसका गेम बन गया है, रख दो लिबू, रखो रखो, सब रखो, इसमें सब रख दो। तो मुझसे ना ये जो ये बड़े वाले हथगोले होते हैं, ये दूध से खाने वाला है, इसीलिए ही मैं मजबूरी में दूध लेके बैठी हूँ, वरना मैं दूध नहीं पीती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लेकिन ये वाले हथगोले दूध से खाने हैं, डॉक्टर ने स्पेशली बोला। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ खा तो पानी से लेती हूँ, 2 घूंट पानी से इन्हें खा लेती हूँ, ऊपर से दूध पी लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। करना तो पड़ेगा ही ना, होगी ना, बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया, बचते बचते बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि बचते बचते बहुत टाइम हो गया। फिर आपी को मैंने बताया तो आपी बहुत ज़्यादा गुस्सा करी थी कि ये चीज़ें आपके लिए, आपके आने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी हैं, तो क्यों इनसे जान छुड़ाना, तो इन्हें खाओ ताकि आगे वो हो। और वैसे भी
मैं मतलब अपना बता देती हूँ कि मैं अपने आप में बड़ी वो बन रही हूँ ना कि मैं नहीं खाती या मैं दवाई छोड़ूँ। मैंने आयरन के टाइम पे भी बहुत कम खाई हैं और लिवर के टाइम पे भी बहुत कम खाई हैं आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ। तो इसका नतीजा ये होता था कि ये मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर हुए हैं पैदा। आयरन भी 2.5 किलो की थी और लिवर भी कुछ ऐसी ही थी, 2.5 किलो की ही थी या उससे कम थोड़ा बहुत। तो ये दोनों दोनों 2.5 किलो की ही हुई हैं। तो इस वजह से अब खाएंगे नहीं अच्छा तो फिर कैसे बच्चे अच्छे होंगे। तो इस वजह से अब मैंने शुरू कर दी। और हाँ, काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते कि आपका कौन सा टाइम चल रहा है। तो मेरा थर्ड सेमेस्टर अब बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मेरा 7वां महीना लग चुका है। तो बस यही अपडेट थी। अब देखते हैं कैसे कैसे। अब ये 3 महीने जो है ये बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि ये तो मतलब जानलेवा होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, इसलिए मैं घर भी नहीं जा रही हूँ और मुझसे चढ़ा उतरा नहीं जा रहा है, बड़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से चलो अब जैसे जैसे टाइम होगा आप लोगों को डेली अपडेट मिलती रहेगी, है ना। मैं इसे मना लूँ और नाश्ता करा लूँ और फिर मिलते हैं आपसे। चलो अपना दूध भी पी लेते हैं। दूध में हमेशा ऐसी पीती हूँ राग करके। दूध से मुझे याद आया मैंने ना नहीं बता रही, चलो नहीं बता रही, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो भाई आज मुझे मशीन लगानी थी तो मैंने मशीन लगा ली। मैं ना ये सारे कपड़े ऐसे अलग अलग कर देती हूँ, जैसे ऐसे बड़ों बड़ों के अलग, चादर अलग और ये बच्चों के अलग। इसमें से भी मैंने वाइट कपड़े निकाल दिए। चलो नो, तो मेरे से ना बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा और मैं यहाँ आराम से बैठ गई क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से ये सारे अलग अलग कराए, अब फिर मेरी हालत हो गई ख़राब। तो अब मैं लिबा की मदद ले रही हूँ। लिबा अब आप ये कपड़े मशीन में डालो, लिबा मेरी हेल्प कर रही है। चलो जाओ मशीन में डालो। अब ये सारे डाल देंगे ना तो एक बार खड़े होकर मैं चला दूँगी। डाला लो, ये डालो। छोटे बच्चे ना ऐसे करा देते हैं हेल्प, मैंने सुना है। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है क्योंकि आयरा ने तो ऐसी कोई मदद कभी कराई नहीं और मुझे कभी ज़रूरत ऐसी पड़ी भी नहीं। मुझे अब पड़ रही है तो फिर मैं करवा रही हूँ। जाओ डालो, लो। कहते हैं ना जब परेशानी होती है तो अल्लाह पाक मसीहा दे देता है। तो ये मेरी मसीहा हैं, एंजल हैं, मेरी ज्योतिषी एंजल हैं। कोई भी काम मैं लगा रही हूँ ना, कर रही हूँ, बस मैं कर ही रही हूँ अल्लाह भरोसे ही। हिम्मत तो होती नहीं मेरे अंदर, लेकिन अब ये ज़रूरी ज़रूरी काम है करने के तो बस हाय 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 करके सारे काम होते मेरे। ये लीजिए, ठीक है, ये सारे मैंने वाइट कपड़े डलवा दिए। ये बच्चों के ही कपड़े हैं, हम लोगों के लिए तो मैं दोबारा मशीन लगाऊँगी। और जैसे ये लाइट कलर की ये वाली नहीं, अभी एक अंदर चादर हमने निकाली। अलिबा अंदर जो हमने बेडशीट उतारी है ना वो लेकर आओ, जो चादर नीचे पड़ी है, जो बेड पे बिछी हुई थी वो चादर उतारी है ना, हाँ वो लेकर आओ। जाओ अंदर से, जो ऐसे नीचे पड़ा हुआ है ना ऐसे, वो लेकर आओ अंदर से कपड़ा। अभी से थोड़ा कम समझ में आता है ना, अभी घर की बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हुई है तो घर को आप बिल्कुल वो मत करना। ये शू का डब्बा पड़ा हुआ है, आज आयरा को नए शूज़ बनाए ना, उसका डब्बा पड़ा हुआ है। अभी करेंगे, घर भी करेंगे भैया, धीरे धीरे सब साफ़ करेंगे। अभी देखती हूँ कि इसको क्या समझ। चादर, चादर लेकर आओ, चादर है देखो, ये ऐसे वाली पड़ी है ना, ये ऐसे वाली अंदर भी है ना, जाओ लेकर आओ अंदर से। अरे है देखो, ये वाला पड़ा है ना ऐसे, ऐसे अंदर भी तो पड़ा है कपड़ा, कपड़ा देखो बेड पे से उतारा था ना हमने, बेड पे से उतारी थी ना, वो लेकर आओ। वो वाइट बेडशीट है ना वो 2 दिन में गंदी हो जाती है। हाँ नीचे पड़ी है, नीचे नीचे पड़ी है, नीचे उठा कर ला। हाँ इसको समझ में क्या बोल रहे हो, इतना भेजा खाएगी, मैं खुद ही लेकर आती हूँ। मैं क्या, ओए चाचू आ गए, जाओ चाचू की बात सुन करो, उठना पड़ेगा। थैंक यू सर। क्या कह रहे चाचू, क्या हैं चाचू की वीडियो बनाओगी, चाचू की मत बनाओ, आप सुनकर आओ चाचू क्या कह रहे हो। जाओ कहाँ कहाँ दिख रही है वीडियो, चाचू कहाँ दिख रहे हैं, चाचू दिखाओ। ओ चाचू दिख गए,
कैसी दिखते है ना? ये देखो, ये मंगा रही थी मैं, ये जो नीचे पड़ी है ना, ये उठाओ। हाँ, अब इसे बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो। हाँ, सब ले चलो बाहर। हाँ हाँ हाँ, हाँ मेरी बच्ची, चल मेरा बच्चा है छोटा। अच्छा छोटा, हाँ शाबाश। ठीक है, अब पूरे घर में आपको पूरा घर धोबी घाटी दिखेगा। थैंक यू लिबा, थैंक यू मेरी जान। मशीन चला देते हैं। तुम देख रही हो तो ये किसी ने कह दिया है कि रिमोट हाथ में लेके ही टीवी देखा जाएगा है? रिमोट आप रख दीजिए। अभी मुझसे बड़े गुस्से में पता नहीं क्या बोला है इसे कि मैं कार्टून देख रही हूँ ना। कौन सा कार्टून देख रहे हो? तोता वाला? अच्छा, तोता वाला देख रही है। ये रहा तोता वाला कार्टून। मैंने ना ये बात आप लोगों से शेयर करी थी कि जब हम आए थे तो बाबूजी ने कुछ कराया है टीवी में, ये दूसरा डिश एंटीना लगाया। तो मेरी एक दो बहनें हैं वो शायद मतलब बिल्कुल वो है गजब, उन्होंने बिल्कुल सही गैस कर लिया कि उन्होंने कौन सा डिश लगाया है। मैं बता नहीं रही हूँ लेकिन हाँ, उन्होंने सही गैस किया था और उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था। इतना तो इंसान जानने लग जाता ना, पहचानने लग जाता है कौन कैसा है। तो बाबूजी के बारे में ये बात बिल्कुल सही गैस की थी उन्होंने कि उन्होंने कौन सा डिश लगवाया था हमारे लिए। अभी तो चल रहा है, मुझे वैसे तो इतना कुछ है नहीं, मतलब वैसे मैं देखती तो थी टीवी, लेकिन खैर फिलहाल जो अभी तोहफा ला के रखा हुआ उसी में एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग भी, बच्चे भी। लेकिन हाँ ये कि जब मेरा बिग बॉस आएगा तब देखती हूँ, तब थोड़ा हल्ला वल्ला मचाएंगे कि भैया नॉर्मल वाला हमारा डिश लगा दो जो पहले से लगा हुआ है, ये वाला एयरटेल का है शायद ये, हाँ इसे चालू करवाओ, हमें अपना बिग बॉस देखना है। देखते हैं फिर क्या होता है ना। हे गाइस वेलकम बैक। आज पे तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, और मतलब वैसे तो सब्सक्राइबर मिले हैं मार्केट वगैरह में तो मिले, लेकिन स्पेशली कोई मुझसे मिलने घर आया है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कौन आया मैं आपको दिखा दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आप कहाँ से आए हो? मुरादाबाद। स्पेशली मुझसे मिल लें? और घर कैसे मिला? घर आपके ससुर के नाम से, सभी जानते हैं। सही बात है यार, ये इनके दो प्यारे प्यारे से बच्चे, अपने नाम बताओ। और आप, आपका क्या नाम है? बता दो, बताओ बेबी। ये शर्मा रहे हैं। अच्छा नो, आपका क्या नाम है? ओहो छोनू बहुत जल्दी शर्मा जाती हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। अच्छा फ्रूट्स नेम बता दो सबको। छोनू ने तो पढ़ाई करी है ना थोड़ी थोड़ी? नहीं। काउंटिंग वगैरह कुछ? इज्जत रख लो थोड़ी सी। नहीं रखोगी? पूरी कर दी नीलाम हद गन्नू। बता दो फ्रूट्स में, बता दो काउंटिंग्स, बता दो। ये छोनू बहुत गंदी लड़की है, बहुत गंदी लड़की है ना। मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि आप लोग मुझसे स्पेशली मिलने आए हो इतनी दूर से। एक बार ऐसे भी होता, मैं ना घर के पास जा रही थी, और ज़्यादातर हम लोग तो नॉर्मल भाई ऐसे ही जा रहे थे, तो मैं घर के मार्केट जा रही थी तो वहाँ पर रोड पे ही एक सब्सक्राइबर को घर के पास मिल गई कि आप मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचा लो। अब वहाँ इतना रश, इतने लड़के वगैरह, मैंने कहा यहाँ, मैंने कहा यहाँ तो बहुत अनकंफर्टेबल है, तो कह रहे नहीं आप खिंचा लो प्लीज़ प्लीज़। मैंने कहा चलो खींच लो, और वो खुद इतनी प्यारी लग रही थी जैसे कि आप लग रही हैं, और मैं इतनी बेकार लग रही थी जैसे कि मैं अब लग रही हूँ। नहीं ये सिर्फ आपका प्यार लगती है ना। अच्छा वो कैमरा बहुत ज़्यादा पास होता है ना, तो अब ये कैमरा दूर है, रियल में देख रही हैं आप। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है, मैं मतलब पूरी गीली और सब बेकार हालत हो रही है मेरी। मैंने मशीन लगाई हुई है, सुबह से ब्लॉक चल रहा है, मशीन लगाई हुई है, अभी अभी किचन की धुलाई कर आई हूँ, तो बस ऐसे ही काम चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि ये लोग आए। अब मैं इन लोग को थोड़ा सा टाइम देती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी सी देर बाद। हाँ जी, ये आपकी है, आप पी लो कोल्ड ड्रिंक, पी लो। फोटो खींचोगे आप? अच्छा आप खींच लेना, चलो ठीक है आप खींच लेना। लो बेटा आप भी ले लो कुछ, ये खाते नहीं है? अच्छा नहीं तो ये कॉर्नर कॉर्नर का खा लो ना, अंदर का मत खाओ। ये तो खाने के बाद। अच्छा आयरा भी बहुत चोर थी लेकिन अब खाने लगी है। आयरा ने मुझे बहुत परेशान करा, ये तो नहीं करती, ये तो मैं बल्कि आज सोच रही थी कि आयरा का स्कूल था ना, मैंने कहा मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, पूरा दिन मुझे मिलता नहीं है,
तो इसे मुझे सोने नहीं दिया। मम्मा भूख लग रही है, मम्मा नाश्ता पराठा आलू पराठा ही खाना है नाश्ते में, हल्का फुल्का कुछ नहीं खाना। फिर मैं उठ ही गई, मैंने कहा चलो अब मैं इनके लिए पराठा बनाऊँ, है ना लिबू। जल्दी जाने का भी टाइम हो गया, भाई साहब को कॉल आ रहा है, इसलिए वो जा रहे हैं। लेकिन आप प्लीज आप उनकी मिलना उनसे, इनकी इतनी मोहब्बत है, मैं पूरी गीली हो रही थी काम करके, लेकिन ये बेबी आके मुझसे गले लगे, हम आज मिला लेते हैं ना। बहुत खुशी है आप, बहुत अच्छा लगा। ओके बाय बाय।